बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आसाराम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। इसके साथ ही फर्जी दस्तावेज जमा कराने को लेकर FIR दर्ज करने का आदेश दे दिया है। आसाराम ने मेडिकल के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट से साफ है कि उनकी मेडिकल हालात ऐसी नहीं है कि उन्हें जमानत दिए जाने की जरूरत हो। साथ ही कोर्ट ने दायर की गई मेडिकल रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति NV रमन ने एम्स के मेडिकल बोर्ड की एक रिपोर्ट के आधार पर आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने आसाराम द्वारा फर्जी मेडिकल दस्तावेज जमा कराने के मामले में नई FIR दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 8 वरिष्ठ डॉक्टरों के बोर्ड ने कहा कि उनकी प्रोस्टेट की बीमारी का निदान पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि उन्होंने इसके लिए जरूरी टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि आसाराम के पैरोकार ने जमानत मामले में जेल सुपरिटेंडेंट का फर्जी कागजात लगाया है। 4 साल से जेल में बंद आसाराम की 11वीं बार जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आसाराम पर फर्जी दस्तावेज लगाने पर FIR के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। देखते रहिए DB Live।